और कैसे हैं आप सब? आप लोग देख रहे हैं नीट बायोलॉजी डिवीजन टेरिडोफाइटा। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। जो बच रहा है वो है लाइफ साइकिल इन टेरिडोफाइट्स, प्लस इसी में एक सब टॉपिक जुड़ा हुआ है अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन इन टेरिडोफाइट्स। तो आज हम लोग इन्हीं दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि क्या लाइफ साइकिल होता है टेरिडोफाइट में, प्लस किस तरह का अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। तो इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले ये बता दें कि जो स्पोर टेरिडोफाइट्स में बनते हैं उनके बेसिस पे दो तरह के टेरिडोफाइट्स होते हैं। जिन लोगों ने इस टॉपिक का जो डिवीजन टेरिडोफाइटा है, जिसमें हम लोगों ने जनरल फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट डिस्कस किया था, वो देखे होंगे तो उन्हें पता होगा कि हमने बताया था कि टेरिडोफाइट्स स्पोर के बेसिस पे दो प्रकार के होते हैं। एक जिनमें सभी स्पोर एक समान साइज के होते हैं उनको होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कहते हैं। इस तरह के टेरिडोफाइट्स में जितने भी स्पोर बनते हैं वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होते हैं। दूसरे तरह के टेरिडोफाइट्स होते हैं हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट, स्पोरस मतलब स्पोर प्रोड्यूस करने वाले। तो जो हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें एक से अधिक विभिन्न प्रकार के स्पोर बनते हैं। कुछ स्पोर छोटे होते हैं जिन्हें माइक्रो स्पोर्स कहते हैं, और कुछ जो है साइज में बड़े होते हैं उन्हें मेगा स्पोर कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि स्पोर की बनावट के आधार पे टेरिडोफाइट्स दो तरह के होते हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स एंड हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। अब अगर डिवीजन टेरिडोफाइटा में दो डिफरेंट तरह के टेरिडोफाइट्स शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि दो तरह के लाइफ साइकिल भी मौजूद होंगे। जब हम लोगों ने ब्रायोफाइटा और एल्गी का लाइफ साइकिल देखा था तो वहां पे ऐसा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, सबके सब सिमिलर थे, सब में एक जनरल लाइफ साइकिल मौजूद थी। लेकिन यहाँ पे दो तरह के टेरिडोफाइट्स हैं, इसलिए इस लिहाज से दो तरह के लाइफ साइकिल भी इनमें मौजूद होते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में किस तरह का लाइफ साइकिल होगा एंड हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में किस तरह का लाइफ साइकिल होगा। तो पहले कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल, जैसे लाइकोपोडियम, टेरिस, एडियंटम। तो ये क्या है? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं। कौन कौन से? फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइकोपोडियम, टेरिस एंड एडियंटम। और भी एग्जाम्पल है लेकिन आप लोग तीन मेन एग्जाम्पल रिमेम्बर करेंगे। इनमें जितने भी स्पोर बनते हैं वो सिमिलर होते हैं। एंड हेटरोस्पोरस का एग्जाम्पल, जब हम लोग हेटरोस्पोरी पढ़ रहे थे तो उसमें सब कुछ क्लियर कर दिए थे। इसका एग्जाम्पल है, ट्रिक है, मासी, मासे मार्सिलिया, ए से एजोला, यस से साल्विनिया, यस से सलाजिनल्ला और आई से आइसोइट। तो ये सब के सब हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं। आई रिपीट, मार्सिलिया, एजोला, सलाजिनल्ला, साल्विनिया एंड आइसोइट हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं। इनमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर बनते हैं, कुछ स्पोर छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। तो ये हेटरोस्पोरस के एग्जाम्पल हो गया और होमोस्पोरस के एग्जाम्पल आप लोगों ने नोट कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं लाइफ साइकिल इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। तो जितने भी फर्न होते हैं वो क्या होते हैं? वो सब के सब होमोस्पोरस होते हैं। तो यहां पे हम लोग फर्न के लाइफ साइकिल को ही डील करेंगे। जो फर्न का लाइफ साइकिल होगा वही सभी होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल भी होगा। तो आप सबको पता है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, यानी डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं। तो जो प्लांट बॉडी दिखेगी विजुअल रूप से वो क्या कहलाएगी? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होते हैं, यानी उनमें टू सेट क्रोमोजोम का मौजूद होता है। तो जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं वो सब के सब स्पोरोफिटिक होते हैं। स्पोरोफिटिक फेज इज द डोमिनेंट फेज इन ऑल टेरिडोफाइट्स।
फाइट्स। तो जो लाइफ साइकिल शुरू होगा वो किससे शुरू होगा? स्पोरोफाइट से। टू एन का मतलब डिप्लॉयड, यस का मतलब स्पोरोफाइट। तो ये जो फर्न का पूरा प्लांट बॉडी है, ये स्टेम है, रूट है और ये ब्रांचेज हैं और लीव्स हैं। ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये फर्न का कोन है, कोन को स्ट्रोबिलस भी कहते हैं। इसी कोन में ही स्पोरेंजियम पाए जाते हैं और उस स्पोरेंजियम में ही स्पोर का निर्माण होता है। तो अगर आप लोगों से कोई प्रश्न पूछता है कि स्पोर कहाँ पे बनते हैं, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि स्पोर स्पोरेंजियम में बनते हैं और ये स्पोरेंजियम कोन में पाए जाते हैं। कोन में ढेर सारे स्पोरेंजियम होंगे, इस स्पोरेंजियम में ढेर सारे स्पोर बनेंगे। तो यहां से लाइफ साइकिल शुरू करते हैं होमोस्पोरस की। तो जो प्लांट बॉडी था वो था स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। इस स्पोरोफाइट में कोन मौजूद थे जिसमें ढेर सारे स्पोरेंजियम थे। स्पोरेंजियम सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल बनाना होगा तो आप इसको स्पोरेंजिया कर देंगे। ये भी याद रखिए, साइंस में जो है सिंगुलर और प्लूरल का बड़ा खेल होता है। सिंगुलर है तो स्पोरेंजियम, प्लूरल है तो स्पोरेंजिया। तो जितने कोन होते हैं उनमें ढेर सारे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। इस स्पोरेंजिया में मियोसिस होगा। मियोसिस जो है एक तरह का सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल जो होता है वो चार सेल में बंट जाता है। जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे आगे सेल बायोलॉजी में, तब इन सबको क्लियर से देखेंगे। तो मियोसिस क्या होता है कि एक तरह का सेल डिवीजन होता है जिसमें एक डिप्लॉयड सेल से चार हैप्लॉयड सेल बनते हैं। तो क्या बनेंगे? डिप्लॉयड से चार हैप्लॉयड सेल बनते हैं, यानी एक स्पोरोफाइट से चार गैमेटोफाइट बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि इनमें क्रोमोजोम की संख्या घट जाती है। दिवाली चल रहा है, दिवाली का मौसम है, सब लोग पटाखे बाहर फोड़ रहे हैं, तो आप लोग जो है टॉपिक पे कंसंट्रेट कीजिए, बाहर के पटाखों पे नहीं। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश जारी किया है कि 8 बजे से 10 बजे ही पटाखे फोड़े जाएंगे, लेकिन भला कौन मान रहा है? तो चलिए उसको छोड़िए आप लोग। तो हम कहां पे थे कि स्पोरेंजियम में मियोसिस होगा और फिर मियोसिस से जो है हैप्लॉयड स्पोर बनेंगे। क्योंकि मियोसिस का मेन जो फीचर है यही है कि क्रोमोजोम की संख्या इनमें घट जाती है। तो यहां पे क्रोमोजोम संख्या 2n थी, मियोसिस हुआ, क्रोमोजोम संख्या घट के n हो गई, n का मतलब हैप्लॉयड हो गई। यहां पे क्या थी? डिप्लॉयड थी। तो स्पोरेंजियम में मियोसिस हुआ, मियोसिस से ढेर सारे स्पोर बने। अब ये स्पोर जो है इस कैप्सूल जो है वो फट जाएगा, क्या होगा? क्योंकि सारे स्पोर कहां पे अभी बन रहे हैं, सभी तो कोन में ही है ना। तो कोन क्या होगा, जब ये कोन मैच्योर हो जाएगा, सूख जाएगा, तो वो फिर फट जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा और सारे स्पोर जो है रिलीज हो जाएंगे। अब स्पोर जब रिलीज हो जाएगा तब वो जब सुइटेबल ग्राउंड पे पड़ेगा जहां पे मॉइस्चर है, लाइट है, न्यूट्रिएंट है, तो क्या करेगा? उसमें जर्मिनेशन होगा। जैसे सीड जो है जब खेत में डाल दिया जाता है, तो जब उसमें खेत में नमी भी है, फर्टिलाइजर भी है, सनलाइट भी है, तो क्या होता है? सीड जर्मिनेट कर जाता है और फिर उससे एक नया प्लांट विकसित होता है। सिमिलरली स्पोर भी जब सुइटेबल ग्राउंड पे पड़ते हैं तो वो भी जर्मिनेशन करते हैं। अब ये जर्मिनेशन करेंगे तो क्या बनाते हैं? प्रोथैलस बनाते हैं। स्पोर जर्मिनेट करेगा, उसमें ढेर सारे डिवीजन होंगे, फिर क्या होगा कि उससे प्रोथैलस नामक एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा। तब प्रोथैलस जो है, इस प्रोथैलस क्या है, ये सब पूरा यहां से गैमेटोफिटिक फेज चल रहा है, क्योंकि सब में स्पोर की संख्या हैप्लॉयड है। स्पोर जर्मिनेट किया, प्रोथैलस बनाया। इस प्रोथैलस में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद होंगे। हमने पहले बता दिया है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे एंथ्रीडियम कहते हैं, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं। तो यहां पे भी सिंगुलर और प्लूरल का खेल चलेगा। एंथ्रीडियम सिंगुलर है, अगर प्लूरल होगा तो ये एंथ्रीडिया हो जाएगा,
और इसी प्रकार आर्किगोनियम भी सिमिलर है, अगर इसका आपको प्लूरल बनाना है तो ये हो जाएगा आर्किगोनिया, या हटा दीजिए एनआईए, तो ये हो गया आर्किगोनिया, ये हो गया अंथ्रीडियम। तो जो प्रोथैलस होगा या जो गैमेटोफाइट होगा उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन होंगे, मेल सेक्स ऑर्गेन को एंथ्रीडिया कहते हैं जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गेन को आर्किगोनिया कहते हैं। सेक्स ऑर्गन का काम है गैमीट बनाना, तो जो मेल सेक्स ऑर्गेन होगा उसमें मेल गैमीट बनेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन में फीमेल गैमीट बनेंगे। तो जो मेल गैमीट होता है उसे स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट को यग कहते हैं। अब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा यानी इन दोनों का फ्यूजन होगा, मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट यग जो है एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे। अब जब फ्यूज कर जाएंगे तो उससे जायगोट का निर्माण होगा, क्या होगा, जायगोट बनेगा। आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स जायगोट्स आर फॉर्म्ड, तो जायगोट बन गया। जायगोट जो है ये डिप्लॉयड है, क्यों, क्योंकि स्पर्म भी हैप्लॉयड थे और यग भी हैप्लॉयड थे। यन इसका और एक एन इसका कितने यन हो गए, टू यन हो गए, टू यन मतलब डिप्लॉयड हो गए यानी स्पोरोफिटिक जनरेशन चालू हो गया। तो ये एक जनरलाइज्ड डायग्राम है होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल के बारे में। तो ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो लाइन डॉटेड लाइन है इसके ऊपर जो है ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है और इसके नीचे लाइन के नीचे जो है गैमेटोफिटिक जनरेशन है। यस का मतलब स्पोरोफिटिक जनरेशन और लाइन के नीचे जी पर गैमेटोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन डिप्लॉयड होते हैं जबकि गैमेटोफिटिक जनरेशन हैप्लॉयड होते हैं। तो जो लाइफ साइकिल है एक बार स्पोरोफिटिक जनरेशन आएगा, फिर गैमेटोफिटिक जनरेशन आएगा, फिर इससे स्पोरोफिटिक जनरेशन आएगा, फिर ये डेवलप करेगा, फिर गैमेटोफिटिक जनरेशन आएगा। तो क्या ये दोनों ही जनरेशन यानी स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जनरेशन एक दूसरे को रेगुलरली अल्टरनेट कर रहे हैं? तो इस तरह की जो घटना जब लाइफ साइकिल में घटित होती है तो उसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो होमोस्पोरस लाइफ साइकिल, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल इस तरह से होता है और इसी तरह इसमें अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन पाया जाता है। होमोस्पोरस क्लियर, अब देखते हैं हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में किस तरह का लाइफ साइकिल होता है और कैसे उसमें लाइफ अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन संपन्न होती है। एग्जाम्पल याद रखने का ट्रिक है मासी, मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया, सलाजिनेला और आइसोइट, ये पांच मेन टेरिडोफाइट्स हैं जो हेटरोस्पोरी को शो करते हैं। तो यहां पे भी लाइफ साइकिल शुरू होगी स्पोरोफाइट से क्योंकि सभी टेरिडोफाइट स्पोरोफिटिक हैं, तो लाइफ साइकिल सबकी शुरुआत होगी स्पोरोफाइट से। स्पोरोफाइट में हमने कहा कि सब हेटरोस्पोरस हैं तो यहां पे सिर्फ एक ही तरह का स्पोर बन रहा था, क्यों, क्योंकि सब होमोस्पोरस थे, लेकिन ये हेटरोस्पोरस है इसमें डिफरेंट तरह के स्पोर बनेंगे। तो जो छोटे वाले स्पोर होंगे कुछ स्पोर साइज में छोटे होंगे और कुछ जो है स्पोर साइज में बड़े होंगे। तो जो छोटे स्पोर होंगे उनको माइक्रोस्पोर कहेंगे और जो साइज में बड़े होंगे उन्हें मेगा स्पोर कहेंगे। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम में बनता है और मेगा स्पोरेंजियम में बनेगा। तो ये हो गया दो तरह के स्पोर बने, माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर। अब इसी तरह से ये रिलीज होंगे, जो कोन होगा वो फटेगा और उससे मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर रिलीज होंगे। तो माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा जब उसका जर्मिनेशन होगा और मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। यहां पर एक ही तरह का गैमेटोफाइट बन रहा था क्योंकि यहाँ पे स्पोर में डिफरेंशिएशन नहीं था, सब स्पोर सिमिलर थे, तो ना तो मेल ना तो फीमेल, एक ही तरह का गैमेटोफाइट बन रहा था जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद थे। लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, मेल गैमेटोफाइट अलग बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट अलग बनेगा। फीमेल गैमेटोफाइट पे फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा और मेल गैमेटोफाइट पे मेल सेक्स ऑर्गन होगा, यानी मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रीडिया पाया जाएगा और फीमेल गैमेटोफाइट पे
आर्किगोनिया मौजूद होगा। अब मेल सेक्स ऑर्गन से स्पर्म बनेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन से ओबम बनेगा। मेल और फीमेल गैमेट जो है, स्पर्म और ओबम जो है, ये आपस में फ्यूज करेंगे, यानी सिनगैमी होगी या फर्टिलाइजेशन होगा। चाहे आप फर्टिलाइजेशन कहो चाहे सिनगैमी कहो, दोनों एक ही चीज है। तो मेल और फीमेल सेक्स और गैमेट जो है वो एक दूसरे से फ्यूज करेंगे और डिप्लॉयड जायगोट बनाएंगे। ये जायगोट आगे फिर जो है डेवलप होके पूरा प्लांट विकसित कर लेगा। तो ये पूरा लाइफ साइकिल हो गया हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में। ये जो लाइन आपको दिख रही है डॉटेड, इसके ऊपर स्पोरोफिटिक जनरेशन है यानी डिप्लॉयड जनरेशन है, और लाइन के नीचे गैमेटोफिटिक जनरेशन है यानी हैप्लॉयड जनरेशन है। तो इसमें एक साथ हमने इसलिए दिखाया है कि आप दोनों की तुलना करके पढ़ेंगे, होमोस्पोरस का और हेटरोस्पोरस का। जैसे बनाया गया है वैसे आप अपनी कॉपी में भी बनाएंगे। तो इस प्रकार जो है होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स और हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में किस तरह का लाइफ साइकिल होता है, कैसे उनका डेवलपमेंट होता है, ये कंप्लीट हो गया। तो यहां हमने अल्टरनेशन बताया, सेम अल्टरनेशन यहां पे भी है, स्पोरोफिटिक फेज गैमेटोफिटिक फेज। तो एक बार स्पोरोफिटिक फेज से गैमेटोफिटिक फेज आएगा, गैमेटोफिटिक फेज से फिर स्पोरोफिटिक आएगा, फिर ऐसे पूरी लाइफ साइकिल में दोनों जनरेशन आते जाते रहेंगे। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया। तो लाइफ साइकिल इन टेरिडोफाइट्स और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दोनों चीजें कंप्लीट हो गई हैं। आगे जो है इसमें सिर्फ एक और टॉपिक बच रहा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। आप लोग देखते रहिए ज्ञानालय।